नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की, साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की। वैसे तो चंद्र ग्रहण अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण और भी विशेष है क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा और भारत में इसका प्रभाव ज्यादा होगा। और इसके अलावा ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा की रात पर लगेगा, इसलिए बहुत सारे नियम और बहुत सारी स्थितियां बदल जाएंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बार के चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है और ये 28-29 अक्टूबर की रात को आरंभ होगा। 28 तारीख की रात को लगभग 11:31 पे शुरू होगा। 1:44 पे मध्य रात्रि के बाद ये पूर्ण लग जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और 29 तारीख को 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी, तो 29 तारीख को 3:56 पे, यानी 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3:56 पे ये समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण लगेगा मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में, और ये ग्रहण भारत वर्ष में दिखाई देगा, इसीलिए इसके सूतक के नियम लागू होंगे। जो सूतक के नियम होते हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, विशेष तरह की पूजा उपासना नहीं होगी, अनुष्ठान नहीं होंगे। ये समय 28 अक्टूबर को दोपहर 2:51 पे शुरू होगा और जब ग्रहण समाप्त होगा 28 अक्टूबर की लेट नाइट में 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग 3:56 पे, तब जाकर ये सूतक समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो इसकी सावधानियां हैं वो समझ लीजिए। ग्रहण जो लगेगा रात में लगभग 11 बजे से 3:56 के बीच का जो समय हमने आपको बताया है, उस समय में जहां तक संभव हो आलस्य मत करिए, सोइए नहीं, आहार ग्रहण मत करिए, और उस समय में पूजा उपासना करिए, ध्यान करिए, भगवान के मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए, अच्छा रहेगा। ग्रहण काल में भोजन मत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। गर्भवती महिलाओं को चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, सिर्फ आप कोशिश करें कि ग्रहण काल में सोए नहीं, आप आराम से बैठें या आराम से टेक लगा करके भगवान के नाम का जप करें या भजन कीर्तन करें या सुने, अपना मन भगवान में लगाए रखें और बेवजह की चिंता मत करिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मन में कोई शक और वहम मत पालिए। जो भोजन ग्रहण के पहले बना हुआ है उस भोजन में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल दीजिएगा तो भोजन आपका शुद्ध बना रहेगा। ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। अब एक और बात, शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर मध्य रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन सुबह उसको खाया जाता है, लेकिन इस बार तो मध्य रात्रि में ग्रहण रहेगा, तो कृपा करके शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में खीर मत रखिएगा, ग्रहण करने वाले चंद्रमा का प्रभाव उस पर मत डालिएगा। बेहतर होगा कि रात में 11 बजे के पहले आप खीर बना लें और उसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल दें, उसको सुरक्षित रखे रहें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 3:56 पर, तब आप उसके बाद 1-1.5 घंटे का जो भी समय मिलता है उस समय में आप खीर रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हो चुका होगा, तो उस समय आप खीर रखें और अगले दिन सुबह स्नान करके खाइएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिस समय में ग्रहण रहेगा उस समय में खीर बनानी भी नहीं है और उस समय में खीर आप रखिएगा भी नहीं चंद्रमा की रोशनी पे, क्योंकि ग्रहण युक्त चंद्रमा की रोशनी अच्छी नहीं होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूरी देश दुनिया पर लगभग 1 से 3 महीने तक रहेगा, लेकिन अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव लगभग अगले 1 महीने तक ज्यादा दिखाई देगा।
क्या प्रभाव होगा, एक नजर वो भी डाल लेते हैं। मेष राशि की बात करें, देखिए ग्रहण मेष राशि में ही लगेगा, तो मेष राशि के लोग अगले एक महीने तक सेहत को लेके बहुत सावधान रहेंगे। संतान को लेके या संतान की तरफ से दिक्कतें हो सकती हैं, आपके व्यापार में कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं। मेष वाले सबसे ज्यादा सतर्क अगले एक महीने तक बने रहेंगे। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान दें, फैमिली लाइफ में थोड़ा समय देना जरूरी है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा और कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक महीने तक उसे टालिए, उसके बाद उस पर विचार आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, देखिए मिथुन वालों के लिए ग्रहण अच्छा है, इसलिए आपके काम की रुकावटें दूर होंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। तो मिथुन वाले अगले एक महीने में पूरा एफर्ट करें, उन्हें लाभ जरूर होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी ग्रहण अच्छा है, क्योंकि जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपकी हल होंगी। आपके जीवन में जो बड़ी रुकावटें हैं या काम की जो रुकावटें चली आ रही हैं, वो रुकावटें दूर होंगी और आपके शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। तो कर्क वालों के लिए भी चंद्र ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं। सिंह राशि के जो लोग हैं, सिंह राशि की अगर बात करें तो आप अपने पेट की समस्या से और दुर्घटना से इस समय बचिएगा। पैसे का खर्च एकदम से बढ़ सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सिंह राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो थोड़ी सावधानी इस समय ज्यादा बनाए रखेंगी, उनके लिए बहुत जरूरी होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क हो जाएं, सेहत को लेके जरा भी लापरवाही मत करिएगा। आपके करियर में इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, संकट आ सकता है, पैसा गायब हो जाए, चोरी हो जाए, बेवजह खर्चे बढ़ जाएं, धन संबंधी मुश्किलें हो सकती हैं, उसका ध्यान भी आपको बनाए रखना होगा। तुला राशि, देखिए आपके करियर में बड़ी मुश्किल आ सकती है, तो करियर में कोई भी लापरवाही इस समय मत करिएगा। और वैवाहिक मामलों में, प्रेम संबंधों में मुश्किलें हो सकती हैं, थोड़ा अलर्ट रहना आपके लिए जरूरी होगा। कोई मुकदमा ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, उसको लेकर के सावधान रहना, सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण अच्छा है, इसलिए वृश्चिक वालों के जीवन की रुकावटें दूर होंगी, करियर में इनको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और धन संपत्ति का मामला आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो वृश्चिक वालों के लिए ऐसा समय होगा जिस समय में अगर ये थोड़ा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो इन्हें लाभ जरूर होगा। धनुराशि, देखिए वाहन चलाने में बहुत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वाहन दुर्घटना के शिकार इन एक महीनों में आप हो सकते हैं, सतर्क रहें। नौकरी और करियर में कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे संकट पैदा हो, जिससे किसी मुश्किल में आ जाएं, सावधान रहें। अपने संतान का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर बेवजह दूसरों के चक्कर में विवादों की नौबत आ सकती है, तो एक महीना सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। मकर राशि, देखिए मानसिक रूप से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मेंटल टेंशन बढ़ेगा और चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, सावधान रहें। बेवजह अपयश मिल सकता है, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आप अपयश के शिकार हो जाएं, सतर्क रहिएगा। और इस समय अचानक से आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, जो चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए निगेटिव हो सकता है, तो नकारात्मक स्थान परिवर्तन की स्थिति आपके लिए अगले एक महीने में बन सकती है। कुंभ राशि, ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर हैं, इसलिए आपको करियर में मनचाही सफलता जरूर मिल सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा,
और धन की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी, यानी आपकी स्थितियां परिस्थितियां पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होंगी। और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के करियर में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं, सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से सावधान रहें और कोई बड़ा निर्णय इस समय एकदम से मत लीजिएगा, वरना किसी मुश्किल में आप आ सकते हैं। तो मीन वालों के लिए भी अगला एक महीना सतर्कता का समय है। अब देखिए, एक ग्रहण जो है वो ज्यादातर अगर हम देखें तो मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के लिए बेहतर है। मेष और कन्या राशि के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव है और बाकी राशियों के लिए भी नकारात्मक है। तो इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे? ग्रहण का जो समय होगा 28 तारीख की मध्य रात्रि को, उस समय आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए, या अगर आपके पास आपका गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। अगले दिन 29 अक्टूबर को प्रातः काल स्नान करिएगा और सफेद चीजों का दान करिएगा, जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी। इसमें से किसी भी वस्तु का किसी निर्धन आदमी को अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हमने आपको दी और ये भी बताया कि अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इस ग्रहण का किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो चंद्र ग्रहण को लेके बहुत सशंकित मत होइए और गर्भवती महिलाओं से विशेष निवेदन है कि वो अपने मन में किसी तरह का शक और वहम पैदा ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।